उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत सेवक संघ की एक बैठक का आयोजन निरीक्षण भवन सिविल लाइन में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से उक्त संघ के प्रांतीय संरक्षक रंजीत सिंह काका को पदमुक्त करने के साथ साथ जिला मुरादाबाद की कार्यकारिणी भंग कर दी गई। सभी साथियों की सहमति से विनेश कुमार राही को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया तथा मुरादाबाद मंडल का मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह काका को मनोनीत किया गया। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित उक्त संघ के लोगों ने अपना नया प्रांतीय संरक्षक नव निर्वाचित रूप से संदीप बडोला को नियुक्त किया। बैठक में नव नियुक्त संदीप बडोला ने सभी सफाई कर्मचारियों को और उस संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को पूर्ण रूप से साथ देने का वादा किया और उनकी आवाज़ उठाने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज़ बुलंद की गई। बैठक में मुख्य रूप से जसपाल सिंह वाल्मीकि, कमल सिंह, विनेश कुमार राही, आशीष सोरी, सत्यपाल वाल्मीकि, अमरजीत सिंह काका, राकेश गंगवार, सतीश कुमार, राजीव कुमार, उमेश कुमार, विनोद कुमार, सविता देवी, अनिल पाल सिंह, सुरजीत कुमार, जितेंद्र पाल सिंह, सोमपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस जज्बे के साथ आप इस उत्तर प्रदेश के 1.25 लाख पंचायती राज सफाई कर्मचारियों के लिए संघर्ष के रास्ते पर निकले हैं, मैं स्वयं राज कर्मचारी संयुक्त परिषद आपके संघर्ष में आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो, इस उत्तर प्रदेश के और इस हिंदुस्तान के तमाम कर्मचारी और शिक्षक इस हिंदुस्तान की सरकार, इस उत्तर प्रदेश की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। और ये वास्तविकता है कि इस हिंदुस्तान में सरकार दोहरी नीति अपना रही है। 40 साल इस समाज की सेवा करने के बाद, अपने सरकारी दायित्वों को पूरे करने के बाद जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होकर जाएगा तो उसको नई पेंशन स्कीम दी जाएगी। और उधर 2 दिन के लिए कोई विधायक बन जाते हैं, 2 दिन के लिए कोई सांसद बन जाते हैं तो सरकार उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करती है। देखिए, आज बहुत अहम मुद्दों पर बात हुई है। आज हमने पूर्व के जो हमारे संरक्षक थे माननीय रंजीत सिंह काका, उनकी कुछ समस्या, पारिवारिक समस्या है उनको देखते हुए आज उनको उनके पद से पदमुक्त करते हुए और हमारे संगठन के प्रांतीय संरक्षक माननीय संदीप बडोला जी को नियुक्त किया है। और मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये बात बताना चाहता हूँ कि पंचायत विभाग में 1 लाख सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, परंतु उन्हें अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अहम और मेन मुद्दा यही है कि 40 वर्ष सफाई कर्मचारी या कोई भी कर्मचारी सेवा करके अपने घर जब लौटेगा तो उसको पेंशन की बड़ी आवश्यकता है। तो मेरे आपके माध्यम यही अनुरोध है कि भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन भले बहाल होनी चाहिए। 2008 में भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति तो कर दी, लेकिन उसमें करा क्या, आरक्षण लागू कर दिया। हम आरक्षण से भी सहमत थे, साथ ही साथ ये भी हुआ कि उसमें जो नियुक्ति की गई थी कर्मचारी की, उसमें केवल यह था कि 5 उत्तीर्ण होना चाहिए कर्मचारी और साक्षर होना चाहिए। अब कुछ नुमाइंदे जो गलत नुमाइंदे सरकार में भारत सरकार उत्तर प्रदेश बैठे हैं, वो पदोन्नति की बात करते हैं, वो सेवा नियमन की बात करते हैं और भी ना जाने किस प्रकार की बातें करते हैं। जो अहम चीज़ है, जो 40 वर्ष अपने कर्मचारी सरकार की सेवा में गवाएगा उसको कम से कम पेंशन के हक की बात तो करनी चाहिए। कोई पेंशन हक की बात नहीं करता ना भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार। आने वाला चुनाव 2022 का अहम रहेगा और प्रत्येक चुनाव में पंचायत कर्मचारी ने अपना पूरा योगदान दिया है और इस चुनाव में भी 2022 के पूरा पूरा योगदान देगा। तो मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि पुरानी पेंशन कर्मचारी की मांग होनी चाहिए।